लोकल कार्यकर्ता है, नाराजगी जारी हो रही है जाते हुए। और किस तरह से लोकल कार्यकर्ता है वो नाराजगी जारी हो रही है जाते हुए। और किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी जनता के लिए योजनाएं चलाते हैं, और आज ही के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को एक स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। इसको सफल बनाने के लिए भारत के सभी जनता से अपील की और इससे जुड़ने की अपील की। इस अभियान के उद्देश्य से 5 वर्ष में स्वच्छ भारत का लक्ष्य प्राप्त करना, ताकि गांधी जी की 150वीं जयंती पर इस लक्ष्य की प्राप्ति को मनाया जाए। मुझे यहां बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल जी की सरकार ने महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं, और ये कार्यक्रम अगले 2 साल तक चलते रहेंगे। अगले साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में हरियाणा की सभी झांकियों को कवर किया जाएगा। गांव के हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ सर परिवार में कोई थोड़ा सा होता ना, थोड़ा सा मैंने ये सोचा था कि पालनगर में पुष्पार्पण करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को, तो वहां पर काफला रोकने की कोशिश करी तो शायद सीएम साहब के संज्ञान में बात नहीं थी, इस वजह से वहां पर काफला रुका नहीं। तो इस वजह से थोड़ा सा मेरे अंदर एक जैसे परिवार में अपने बड़े बुजुर्गों से गुस्सा आता है, वो मैं यहाँ पर स्टेज पे अपना गुस्सा निकाला मैंने, और मेरे अंदर जो भाव था। तो कितने समय से जुड़े हैं पार्टी से? मैं बचपन से ही जुड़ा हूँ जी, जब से मेरे को ये अपना होश आवास है तब से मैं भाजपा का कार्य करता हूँ। तो नाराजगी सर, नाराजगी आपने रोकर जाहिर करी मुख्यमंत्री? बिल्कुल, जो मेरे अंदर गुस्सा था ना वो प्यार होता है। तो मुख्यमंत्री जी क्या कहा, आएंगे दोबारा? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी ने मेरे को अभी जो मेरे सीनियर वर्कर है उन्होंने मेरे को कहा कि अब दोबारा जैसे काफला जाएगा वहां पर बाबा जी के मंदिर के अंदर माथा टेकेंगे और चाय की भी व्यवस्था। क्या नाम आपका? सतीश कुमार जी, वार्ड नंबर 20 से। किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी जनता के लिए योजनाएं चलाते हैं, और आज ही के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को एक स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। इसको सफल बनाने के लिए भारत के सभी जनता से अपील की और इससे जुड़ने की अपील की। इस अभियान के उद्देश्य से 5 वर्ष में स्वच्छ भारत का लक्ष्य प्राप्त करना, ताकि गांधी जी की 150वीं जयंती पर इस लक्ष्य की प्राप्ति को मनाया जाए। मुझे यहां बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल जी की सरकार ने महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं, और ये कार्यक्रम अगले 2 साल तक चलते रहेंगे। अगले साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में हरियाणा की सभी झांकियों को कवर किया जाएगा। मैं गांव के हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ और किस तरह से